हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि नीट 2019 में जो भी आपकी रैंक आई है उसके थ्रू आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज किस कट ऑफ पे मिल जाएगा, यानी कितनी रैंक पे मिल जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज कितनी रैंक पे मिलेगा। मैं इस वीडियो में MBBS और BDS दोनों की बात करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं, तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लो जाके एक बार। इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी ज़रूर देख लेना, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा जो कि लास्ट ईयर से इंस्पायर्ड है, मतलब पिछले जो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड रहा है 2017-18, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ तैयार करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल होगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS चाहिए और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपकी रैंक 10,443, या मैं ऐसा बोलूँ अगर आपकी रैंक 10,000 से कम है, तो आपको डेफिनेटली MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बात करता हूँ OBC की। तो OBC में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर आपकी रैंक 10,449 से कम है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS में मिल जाएगा। बात करते हैं SC ST की। तो अगर SC की बात करूँ, तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक 64,528 से कम है, तो आपकी आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी। बात करते हैं ST की। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपकी रैंक 76,333 से कम है, तो MBBS में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपकी रैंक इनके बीच में कहीं लाई कर रही हो। तो मैं एक बार जनरल वालों के लिए बताता हूँ कि अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर 9,000 से कम है, या फिर 10,000-9,000 के आसपास भी है, तब आपका वहाँ पे एडमिशन होना कंफर्म हो जाएगा। एक बार आप काउंसलिंग ज़रूर करवाना। ऐसा नहीं है कि डर के बैठ जाना कि यार होगा नहीं और ड्रॉप करने की सोच लो। हो सकता है कि आपको इसी ईयर बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं BDS की। तो BDS गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपकी रैंक 17,093 से कम है या इसके इक्वल है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं OBC की। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपके रैंक 17,099 से कम है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं SC की। अगर SC में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपकी रैंक 79,166 से कम है या फिर इसकी इक्वल है, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ST की बात करें, तो ST में अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपकी रैंक 99,791 के इक्वल या इससे कम है, तो आपका यहाँ पे BDS में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ यार, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि यार मतलब थोड़ा बहुत चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि मैं 100% श्योरिटी से तो नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 10,000 बताया तो वहाँ पे 90,000 हो गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। अब बात करते हैं यार प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आप BDS प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते हैं, और अगर आपकी रैंक 70 जनरल कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, MNG मीन्स मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट के थ्रू अगर आपकी रैंक 7,54,629 से कम है या इसके इक्वल है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC की बात करें, तो 7,12,551 से कम है, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। SC की बात करें, तब अगर आपकी रैंक 7,12,961 से कम है, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ST का मेरे को मतलब डेटा मिला नहीं है, जो है सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी, तो मुझे ST का डेटा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं नहीं ला पाया। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। अगर आपकी रैंक 7,50,000 से कम है, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखा उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है।
तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर अप लेके अपने पास रख लेना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में MBBS लेना है तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, तो मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए लिखा है, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप मेरी पुरानी वीडियो को भी जाके देख सकते हो, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना है, तो आप अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 1,19,16 से कम है या इसके इक्वल है, तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।